अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ HTML का छोटा सा प्रोजेक्ट। जाहिर है, जब हमने HTML सीरीज़ मुकम्मल कर ली है तो एक प्रोजेक्ट होना लाजमी है। इसी तरह CSS जब मैं आपको सिखाऊंगा तो CSS के अंदर भी जाहिर है एक प्रोजेक्ट HTML CSS को कंबाइन करके मैं बना के आपको दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोग भी इस प्रोजेक्ट को देखते हुए अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं। सिखाने का मकसद यही है कि आप लोग अपने खुद के प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करें। आप देख सकते हैं बिल्ड स्किल चैनल, मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं। देखें, सारे लेक्चर्स अब मेरे सिर्फ पढ़ाई के मुताबिक ही है। सारे लेक्चर मेरे HTML CSS JavaScript और पूरी वेब डेवलपमेंट में इसके ऊपर आपको सिखाऊंगा। ये तमाम लेक्चर मेरे आप देख सकते हैं, मैंने HTML के जितने लेक्चर आपको दिए हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको CSS की तरफ मूव करूंगा, तो मेरे चैनल को प्रमोट लाजमी करें। हमने फाइल में जाना है और न्यू फोल्डर ओपन करना है। जैसे ही आप न्यू फोल्डर की तरफ जाएंगे तो HTML2 के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया है, यही मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसी फोल्डर के अंदर ये जो प्लस का आइकन है, ये फोल्डर के लिए है और ये फाइल के लिए है। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, index.html के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई है, सेव। एंड दूसरी फाइल बनाता हूँ मैं, चले वैसे दूसरी फाइल की नीड नहीं है, हम index.html के ऊपर ही काम करते हैं। आपको मैंने बताया था एक emet नाम का एक फंक्शन है, जिसको आप जैसे ही Shift+1 करेंगे तो ये emet नाम का फंक्शन ऑन हो जाता है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉक टाइप से लेके HTML लास्ट तक ये पूरी कोडिंग आ जाती है। अब बात करते हैं कि हमने किस किस चीज़ की प्रैक्टिस की थी। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे H1 के अंदर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ मेरा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है कि नहीं। मैं इसको गूगल क्रोम पे ओपन करूँगा, ओपन विद गूगल क्रोम। जी, तो बिल्कुल हेलो वर्ल्ड चल गया है, मेरा HTML प्रोग्राम चल रहा है। तो चलें इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था तकरीबन 6 हेडिंग्स होती हैं जो HTML के अंदर रहती हैं। फर्स्ट हेडिंग मैंने डाल दी है, इसी के अंदर ही मैं अगर इसी हेडिंग को इटैलिक करना चाहता हूँ तो आई लिख के मैं इसको इटैलिक बना सकता हूँ। ये देखें, थोड़ा इटैलिक हो गया। अब इसी हेडिंग को अगर मैं इटैलिक के साथ अंडरलाइन भी देना चाहता हूँ तो ये अंडरलाइन भी इटैलिक के साथ हो जाएगा। सेव करते हैं, ये देखें अंडरलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये हेलो वर्ल्ड के नीचे एक मैं इमेज सेव करके लगाऊँ, जैसे कि इमेज का मैं कोड लिखता हूँ, IMG सिर्फ लिखूँगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यही खासियत है कि आपको सजेस्ट कर देता है कि आपने कौन सी कोडिंग लगानी है। तो मैं IMG टैग लाना चाह रहा था, सोर्स वगैरह हर चीज़ आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले इमेज निकालूँ, मैं कौन सी लगाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं गूगल क्रोम से ही एक डाउनलोड कर लेता हूँ HTML कोड के नाम से, इमेजेस में जाके मैं ये चाहता हूँ मैं ये इमेज सेव करूँ। सेव एस, सेव इमेज एस पे गया और इसी इमेज को इस फोल्डर के अंदर डाउनलोड के नाम से सेव कर लेता हूँ।
इमेज सेव हो चुकी है। प्रोग्राम को बंद करता हूँ और यहाँ पे आके कोडिंग के अंदर मैं लिखता हूँ download.jpg और यहाँ पे लिखता हूँ html कोड, सेव करता हूँ और ये देखें ये इमेज भी आ गई है। अब इमेज को किस तरह विड्थ और हाइट देनी है ये सारा तो हम CSS में जाके सीखेंगे। HTML के अंदर भी विड्थ हाइट दे सकते हैं हम, जैसे कि इमेज के अंदर जाके मैं विड्थ लगा देता हूँ 22 pixels। आपको पता लगेगा कि इमेज की विड्थ और हाइट किस तरह छोटी हो गई। और अगर मैं यहाँ पे 522 एंड हाइट में देता हूँ 722 एंड सेफ, ये देखें पिक्सल्स बिल्कुल फट चुके हैं इस इमेज के। तो आप देख सकते हैं किस तरह पिक्सल्स फट चुके हैं इसके। आप HD पिक्चर ही डाउनलोड कीजिएगा। मैं इसकी हाइट को कम कर देता हूँ तो ये पिक्चर थोड़ी बेहतरीन दिखने लग जाएगी, बट गुजारा चलाने के लिए काफ़ी है। अब मैं इसके हेडिंग 2 लिखता हूँ और एक टेबल टैग के बारे में ही बात करूँगा। और टेबल टैग अब मैं बनाता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए टेबल बना दिया। और टेबल रो, टेबल रो हमेशा बनेगी, रो के अंदर ही हेडिंग आती है। मैं यहाँ पे TH हेडिंग टैग के लाता है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। अब इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। इसी तरह अब मैं एक और हेडिंग टेबल रो बनाता हूँ। टेबल रो बनाने के बाद मैं इधर देता हूँ TG, मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा में मैं देता हूँ 1। और एक और टेबल डेटा बनाता हूँ जिसमें देता हूँ 2। और एक और टेबल डेटा बनाता हूँ जिसमें देता हूँ 3। इसी तरह मैंने अपने टेबल को कॉपी पेस्ट 3 रोज़ बनाई हैं तो 3 दफ़ा पेस्ट होगा। 2 की जगह अली अहमद, अली एसन, अली एंड GSOUS गोस। मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू। तो ये देखें बगैर बॉर्डर के डेटा है। बॉर्डर किस तरह लगेगा मैंने आपको समझाया था कि टेबल के अंदर ही जाके BORDER बॉर्डर लिख के यहाँ पे आपने लिखना है 2 pixels सॉलिड ब्लैक कलर भी देना है, सेव करना है। और यहाँ पे ये टेबल आ गया है पूरा बन के। तो आप देख सकते हैं हेडिंग लगाना, इमेज लगाना और टेबल बनाना किस तरह हमने सीखा है। इसके बाद आखिरी बारी आ जाती है फॉर्म की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे फॉर्म लिखना है और एक्शन के अंदर आपने अभी हैश डाल देना है। एक्शन हमने फॉर्म को अभी नहीं करवाना। ये एक्शन तब यूज़ होता है जब हम बैकएंड पर डेटा फॉर्म का कहाँ सेव कराना है कहाँ नहीं। एक्शन के अंदर PHP की पूरी फाइल ऐड होती है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा डेटा कहाँ जाके सेफ होगा। तो ये एक्शन के अंदर आप हैश डाल दें। उसके बाद इनपुट, सबसे पहले तो आपने लेबल लिखना है और लेबल के अंदर फॉर्म में लिखना है हैश। और इसके अंदर ही आपने लिख देना है माय नेम और यहाँ पे लिखना है इनपुट और इनपुट टाइप लिखनी है टेक्स्ट, ठीक है। इसी को ही कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट करना है इन माय नेम। या आप इसको कर दें योर नेम,
ठीक है, और यहाँ पे कर दें योर फादर नेम, ईमेल एंड डेट ऑफ BIRTH बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपने टैक्स रहने देना है, यहाँ पे भी टैक्स रहने देना है, और यहाँ पे आपने ईमेल लिख देना है, फिर ये ईमेल को ही फॉलो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है, ठीक है। आप जैसे इसको सेव करेंगे और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगाता हूँ। ब्रेक टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट करना ब्रेक टैग कहलाता है। मैं दो ब्रेक टैग लगाता हूँ और एक HR टैग लगाता हूँ, हॉरिजेंटल रो, एक हॉरिजेंटल रो आ जाएगी। उसके बाद मैं H3 का यूज़ करता हूँ हेडिंग का, और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी एक ब्रेक टैग लगाऊँ, ब्रेक एंड सेव करता हूँ और आपको अब प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, एक दो ब्रेक आ गई, एक हॉरिजेंटल रो आ गई, और ये H3 में जो हमने फॉर्म लिखा है वो आ गया है, और ये तीनों में वो चीज़ें आ चुकी हैं जो हमने इनपुट करी थी। इनपुट टाइप नेम, फादर नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने डालनी है वो इधर से सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक मैं बटन भी बना देता हूँ HTML के अंदर। कस्टमाइजेशन तो आपको जाहिर है CSS, HTML और JavaScript सीखने के बाद ही आएगी। बेसिक की बेसिक आपको सिखा दिया जाता है, और आप लोग भी बेसिक सीख के यही सोचते हैं जी। तो कस्टमाइजेशन आपको तभी आएगी जब आप HTML, CSS और JavaScript के ऊपर अपनी बेस बना लेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे आने वाले CSS के लेक्चर भी आपने इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को मज़ीद प्रमोट कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक और ब्रेक टैग लगा के इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें एक सबमिट बटन आ जाएगा, ये रहा। ये जैसे ही आप सबमिट को क्लिक कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट ऊपर आ रहा है बिल्कुल टॉप पे। तो ये था हमारा आज का फाइनल लेक्चर। मेन चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, मेन चीज़ तो यही है कि हेडिंग बनाना, इमेज लगाना, टेबल बनाना और फॉर्म बनाना। बाकी जो जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं इंशाल्लाह ताला CSS में मूव होके वो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।